अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। गाइस आज मैं आज के दिन एक रेसिपी लेकर आई हूँ आलू मेथी की, जो सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है और एनर्जी भी बहुत होती है। इसमें बहुत मज़ेदार बनता है आलू मेथी की रेसिपी लेकर आई हूँ आज के रेसिपी। तो ये हमारी मेथी है, हम इनको अच्छी तरह साफ करेंगे और ये देखिए बहुत फ्रेश है माशाल्लाह से। हम इन्हें अच्छी तरह साफ करेंगे और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 स्मॉल साइज़ के प्याज और ग्रीन चिलीज, टोमेटो सॉस और आइस। हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हमने हाफ कप ऑयल डाला है कढ़ाई में और गर्म होने के बाद जो प्याज कटिंग करके रखा था वो इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह सोटे करेंगे प्याज को। और इसी स्टेप पे जो मैंने 2 पोटैटो को मैंने इसी शेप में काटा है और वो आलू भी मैंने डाल दिया है, इसी को भी अच्छी तरह फ्राई करूँगी प्याज के साथ। और ये देखिए आप इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स करें ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई हो जाए आलू। और इसी स्टेप में मैं 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है मैंने। और इसे भी मैं ऑयल में अच्छी तरह सोटे करूँगी। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। और गैस इतने दिनों से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, मेरा तबीयत ख़राब था, फीवर और गले में भी दर्द था, इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़ीरा डालने से बहुत अच्छी फ्लेवर आता है और खुशबू भी, और हमारा पोटैटो भी थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो रहा है। मैंने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखा है थोड़ा सा। और दूसरे स्टेप में यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ, उसका पेस्ट बना रही हूँ। टमाटो को मीडियम साइज़ काट कर ले जी, यहाँ पर हमारा प्यूरी भी तैयार हो चुका है। ये देखिए 2 अदद टमाटर को मैंने प्यूरी बनाया है, वो भी डाल लिया है मैंने। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करूँगी और ये तकरीबन भून कर हमारा गाढ़ा हो जाएगा टोमेटो, और बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और मैंने अपना साथ भी डाल दिया मेथी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और अच्छी तरह मिक्स करें और फिर मैंने मिक्स करने के बाद कवर करके रख दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। चलिए 10 मिनट हो चुका है हमारा, हम चेक करते हैं। तो हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है स्पाइसेस वो भी डाल दे रही हूँ मैं। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें। और मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून डाला है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और जो मेरा मेथी जो मैंने साफ करके रखा था वो भी मैं कटिंग करके इसमें डाला है इसी स्टेप पर। और अब अच्छी तरह इसे मिक्स करूँगी स्पून की हेल्प से। तो गाइस आप लोग भी ज़रूर बनाइएंगे इस रेसिपी को, ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रहा है। और आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिएगा। यकीन करें आप चिकन को भी भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनता है ये रेसिपी। जो बाय आउट ऑफ कंट्री में है उसको खाना बनाना मुश्किल लगता है, तो आप मेरे तरीके से बनाइए, झटपट सी बन जाने वाला रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। तो
चले हम इसको चेक करते हैं, हमारा है पोटैटो, उसको छुरी की मदद से भी इसको चेक करूँगी। हमारा पोटैटो नरम हो चुका है, देखिए माशाल्लाह से फैल चुका है और तकरीबन गाढ़ा भी हो चुका है हमारा आलू मेथी का साग। ये देखिए नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनता है ये रेसिपी। चले जी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा आलू मेथी बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह से। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से भी बताइएगा आज का रेसिपी कैसे बना है। तो आप इसे सिंपल सादा चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए हमारा आलू मेथी बन के तैयार है, मैंने दो बाउल में निकाल के आपको दिखाया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, आप लोग प्लीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, वहाँ की हालत कुछ सही नहीं है। और इमरान खान के लिए भी आप लोग बहुत सी दुआएं कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये मेरी। और ये देखिए हमारा आलू मेथी बन के तैयार है, मज़ेदार सा डिश। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आज का रेसिपी कैसे बना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, मैंने काट के टेस्ट भी किया है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, आज का व्लॉग इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।